ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा 5-1 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीक। रखा जी वकोबरा और वकोबरा का अब जंगल में छोड़े के तैयारी हो रही है। वह जंगल में जो है प्रकृति के मां विचरण करी और अनिश्चित थी एक कोबरा का जो है स्वच्छंद विचरण करे खातिर डेमहा के जंगलन में छोड़ा जी और लगभग अभी तक 3 चली तो अब रेस्क्यू के जगह पर हम कहा कि अब हम जाए थे और वीडियो हमका जो है पंकज जी के माध्यम से प्राप्त कीजिए। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी में हम मौजूद हैं, वन परिक्षेत्र कार्यालय सीधी में। यह सीधी कार्यालय खास ऐसे है कि यहाँ एक वन रक्षक है पंकज मिश्रा, उनके द्वारा बेहद कहा जाए कि अच्छे तरीके से वो वन्य जीवन के रेस्क्यू की जात है, जो वन्य जीव या प्रकृति का संतुलित करे में अपन महत्वपूर्ण योगदान दे थे। आज हम एक कोबरा सांप जो रेस्क्यू की गा है ओका जंगल में जो है वन रक्षक पंकज मिश्रा के द्वारा छोड़ा जाई और कहूँ में छोड़ा जाई और का कुछ है पंकज मिश्रा से हर कुछ हम बातों करे के प्रयास करब। तो विंध्य क्षेत्र के या पहली बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह खास खबर के जो प्रकृति से जुड़ी है, पर्यावरण से जुड़ी है और हम हमारे अपना सबसे जुड़ी है जंगल जो है और इंसान, ये दोनों एक दूसरे के पर्यावाची है। यदि जंगल है तब मनुष्य के कल्पना की जा सकती है और मनुष्य है तो जंगल की कल्पना हो चाहिए। तो अपना का दिखाई थे हुआ पंकज जी के द्वारा जो कोबरा पकड़ा गया है और वह यह स्नैक बॉक्स में हुआ कोबरा का रेस्क्यू करके रखा गया है। यह अपना हम कहा कि हमारा सहयोगी थे देखा में और स्नैक बॉक्स से अब हुआ जो है गाड़ी में रखा जी हुआ कोबरा और वह कोबरा का अब जंगल में छोड़े के तैयारी हो रही है। वह जंगल में जो है प्रकृति के माँ विचरण करी और निश्चित तौर पर कहा थे ना कि यह प्रकृति उतनी महत्वपूर्ण ही जितना हमारे पतन खीतिर अन्य सब चीज है। यह देखिए यह अब यह जो वन प्रहरी के गाड़ी है यह गाड़ी में वह कोबरा का रखा जाने लगे यह कोबरा का अब जंगल में छोड़ा जाए स्वच्छंद विचरण करे खीतिर। ठीक है पंकज जी, यह अब जैसा कि अपना यह रख ली है कोबरा, यह कहाँ से पकड़े न अपना वो अब तक कितने वन्य जीवन का रेस्क्यू किन गया है अपना के द्वारा? ये कल मैं रात में आपके गोपाल दास के पास से यहाँ से मंदिर के पास से मैंने इसको रेस्क्यू किया था। अभी तक हम मेरे द्वारा 324 स्नेक का एवं वन्य प्राणियों का रेस्क्यू किया गया है और उनको स्वतंत्र स्थान में जंगल में छोड़ा भी गया है सकुशल रेस्क्यू करके। चलिए तो कुल मिला के अब गाड़ी तैयार ही है, गाड़ी से हम पचे हुआ जंगल प्रांगण में जाब जहाँ यह कोबरा का रेस्क्यू कह के बाद अब स्वच्छंद विचरण खातिर जंगल में छोड़ा जी। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं यह डेमहा पहाड़ पर जहां एक कोबरा का जो गोपाल दास के आसपास एरिया से सूखा नाला के आसपास के एरिया से पकड़ा गया रहा, अब वह कोबरा का जो है स्वच्छंद विचरण करे खातिर उन्हीं के घरे में छोड़ा जाल लागे या डेमहा के जंगल में छोड़ा जा रहा है। अब देखिए यह पंकज भाई वह कोबरा का जो है ले जा चुके हैं लेके अब यह जंगल की ओर बढ़ ही रहे हैं।
उनसे पंकजो भाई से हम बात करब कि यह सब काम करे के बाद उनका का कुछ महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह कोबरा अब अपने जंगल की ओर जा रहा है और यह जंगल के अंदर कोबरा का छोड़ा जा रहा है। प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक कहे जाते और यह पूरक यहीं से हम बेबे कहला है कि यदि जंगल है तो इंसान के कल्पना की जा सकती थी, वन्य जीव की कल्पना की जा सकती थी और लगभग लगभग अब वह रेस्क्यू कीन का देखिए रेस्क्यू कीन का जो कोबरा है वो का जंगल की ओर ले जावा जा लग है और बहुत जल्द वह अपने जो कहा जाए जैसा कहा था ना कि अपना के एक असहज जगह हम आप पहुँच जाई तो अपना का लागी कि बहुत जल्द हम अपने घर के अंदर चले जाई तो हम आप चन के जो है बेहतर महसूस हुआ लागत है। अब जो है यह डेमा जंगल में यह कोबरा का छोड़े के पूरी तैयारी है। पंकज भाई जो है वह कोबरा का लेके पहाड़ में जा रहे हैं और यह जंगल आए यह जंगल में तरह तरह के वन्य जीव रहा थे और संतुलन के काम ही वन्य जीव है करा थे और संतुलित करे खातिर जो है लगातार जंगल विभाग वन विभाग बहुत सारे विभाग हैं जो प्रयासरत रहे थे कि कुछ बेहतर जो है कीन जाए जो से जंगलों बचा रहे वनों बचे रहे और सबसे बड़ी बात कि यह व्यवस्था बची रहे कहे कि श्रेष्ठ निर्माण में वह हर बात अहम होती मायने रखा थी जौने माँ यह प्रकृति संतुलित होती। पंकज भाई अब रेस्क्यू करी लागे एक लगाव हुई वन्य जीवन से? जी हम जब से रेस्क्यू कर रहे हैं तब जब से इन वन्य प्राणी को बचाने में हमको पता नहीं आंतरिक बड़ा सुख मिलता है कि हमने इस नौकरी पर जिसमें हैं हम वन विभाग पर और ख़ासकर वन रक्षक हूँ मैं तो मैं अपने कर्तव्य को काहे ना बहुत अच्छे तरीके से पालन करूं और मैं इन वन्य प्राणियों को अधिक से अधिक बचा सकूं। पंकज भाई कई साल की नौकरी हुई है अपना की? मेरी भर्ती 2008 की है, करीबन मेरे को 15 साल हुए इस जॉब में वन विभाग में हुए और इसके दौरान मैंने पता नहीं कितने सर्पों को रेस्क्यू किया और अब तो गिनती में करने लगा, पहले कोई गिनती नहीं है और मैं शुरू से ही इन वन्य प्राणियों से लगाव था मेरा और इस प्रकृति से तो मैं ये आप कार्य कर रहा हूँ। चलिए तो निश्चित तौर पर कहा थे ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनावे से पहले खुदा खुद पूछे बता तो हो राजा का है और निश्चित तौर पर पंकज भाई यह एक बड़ा चुनौती भरा कार्य है। अमूमन अपना के विभाग में कई अच्छे वन रक्षक हुए सबकी हिम्मत पर थी? नहीं ऐसा तो कोई आगे नहीं आता। जब हमारे अधिकारी जब पोर्सली करते हैं तब कोई व्यक्ति काम करते हैं मगर मैं अपने अधिकारियों को एवं मैं अपने जो हमारे समाज है हमारे जो लोग बाग हैं मैं उनको कुछ कहने का मौका नहीं देता और मैं जब कभी भी इन रेस्क्यू का काम आता है मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने का प्रयत्न करता हूँ और उस वन्य प्राणी को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। अभी तक 324 वन्य जीवन के रेस्क्यू अपना के द्वारा कीन गया है, एक बड़ा नंबर है। 324 अपना का लागत हुई कि छोट मोटा है कहे कि वो माँ 324 माँ अजगरव है बिस्खोपड़ाव है मगर गोहव है और वो के साथ साथ कहे कि देखिए सीधी की यदि बात कीन जाए तो जंगली एरिया है बीच में शहर है चारों ओर जंगल है ये वजह से जंगली जीव जो है कहों पानी के रास्ते कहों जंगल के रास्ते आम जन के जो है घरन तक पहुँच जाते जो जेका देख के लोग काफ़ी जो है डर जाते जेके चलते जो है पहले तो लोगन का कहब रहा कि यदि सांप चाप दिस तो ओकर न मरबे तो वह कहो न कहो वह इंसाने मर जाई तो मतलब बहुत सारे अंधविश्वासों जुड़े ही वन्य जीवन से जुड़े बहुत जने इनका स्मगल करा थे इस वन्य जीवन का बेचा थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहे कि इनसे दवाई बना थी और बहुत सारी चीज़ है तो निश्चित तौर पर कहो न कहो जागरूकता के अभाव के चलते बहुत सारी चीज़ हो रही है। लेकिन अपना का हम दावा करी थे कि यदि प्रकृति का बचावक है और खुद का बचावेक है तो वन्य जीवन का बचावेक पड़ी। पंकज भाई जैसे 324 अपना अभी तक वन्य जीवन के रेस्क्यू करे हैं अभी तक तो एमा सबसे खतरनाक कौन रहा जे का पकड़े में अपना का डेरा लाग हो
अभी तक मैंने जो 324 वन्य प्राणियों का रेस्क्यू किया है, उसमें कुछ ऐसे कोबरा थे जो डिफिकल्ट स्थान पर थे, उनको बचाने में एक बहुत संघर्ष करना पड़ा है। कुछ कोबरा जैसे कुछ घर में है या फिर बिल में चले गए घर के अंदर ही, उनको जब निकालने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा आदमी को भय लगता है। और बाकी कुछ ऐसे भी हो जाते हैं वन्य प्राणी जो कुएं में गिर गए, उनको जब निकालते हैं तब थोड़ा सा आदमी को डर लगता है, मगर अपना टीम वर्क रहता है और टीम वर्क के सहायता से हम लोग सब इसके कार्य को संपन्न करते हैं। चलिए, घरे माँ मलकिन के, माता राम के, पिताजी के, बच्चन के, या कहा नहीं रहे कि यह कहा ऐसा बीची पकड़ते हैं, कहाँ चाबी दे, कहाँ कुछ हो जाए, डर तो लागत हुई उन्होंने बच्चन का? जी जरूर ऐसा होता है, जब मैं रेस्क्यू करी घर में जाता हूँ, वो वीडियो देखते हैं मेरी, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा काम मत करें, मगर मैं उनको समझाता हूँ कि मैं उनको दूर से ही पकड़ता हूँ और मैं कोई खतरनाक काम नहीं करूँगा। मैं उनको घर वालों को समझा के काम करता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि एक समाज पे एक अच्छा मैसेज जाता है जैसे मैं सर पकड़ता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वन्य प्राणी के साथ साथ जिनके घर में निकला हुआ है कोबरा, मैं उनकी जब सहायता करता हूँ तो उनको अत्यधिक प्रसन्नता होती है, उनके साथ साथ हमको भी प्रसन्नता होती है, तो मैं अपने घर वालों को समझा के काम करता हूँ। चलिए तो ठीक है, घर वाले का मतलब अपने पहले पक्ष में ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं ये लाठी डंडा वो अपन औजार लेके, जौने कौनों में के हानि ईश्वर न करे, कहे कि अपना इतने वन्य जीवन के मतलब एक जीवन चाहे मनुष्य के हो चाहे वन्य जीव के हो बराबर है, और ये 324 वन्य जीवन के जीवन बचावे वाला व्यक्ति है तो ओका का होई तो कहा देना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो निश्चित तौर पर अब पंकज भाई यह समझे कर रहा कि अभी तक जो 324 संख्या अपना मतलब अभी तक जोड़ घटाए पाए हैं, कहे कि बहुत तरीका पहले अपना मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या 2023 में जनवरी से मैं अपना रिकॉर्ड बनाने लगा, उसके पहले भी मैं 2022 में करीबन मैं एक गणना किया था तो उसमें करीबन 500 वन्य प्राणी का मैंने 2022 में रेस्क्यू किया है। मतलब ये साल भर के आंकड़ा है, 324 जो है साल भर के आंकड़ा है। जी जी, ये साल भर का है, साल भर का। मतलब आज इससे यदि 2018 से लेके अभी तक जोड़ा जाए तो कितने हो गए? अब वो तो हजार पार हो गए होंगे, पता नहीं कितने होंगे। मैं क्या अब थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट अपने मेंटेन करने लगा हूँ। पहले क्या होता कि जैसे अधिकारी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब बोलते थे मैं तुरंत जाके वो रेस्क्यू कराता था और मैं उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाता था। अब मैं अपने लिए एवं अपने विभाग के लिए मैं एक रिकॉर्ड बना के रख रहा हूँ कि मैंने साल भर में कितने रेस्क्यू कार्य किए। नहीं अबे जो जितने अपना रेस्क्यू कार्य हुई 2008 के बाद कौन कौन वन्य जीव अपना का या अमूमन ये क्षेत्र में देखे का मिले हैं जेकर रेस्क्यू करे का पड़ा है अपना? मैं यहाँ पे कोबरा है, कोबरा में मैं 3 प्रजाति का गेहूं हो गया, अपना ब्लैक कोबरा हो गया और अपना जो साधारण स्पेक्टिकल कोबरा हो गया मैंने उसका किया, जो पाइथन है अजगर है मैंने अजगर का भी रेस्क्यू किया, जो एक चित्ती होती है अजगर में ही मैंने उसका रेस्क्यू किया, मैंने 2 सर्प ऐसे सर्प मतलब रेस्क्यू किया है जो विलुप्त प्रजाति के हैं, कॉमन सेंड हुआ है वो मिट्टी वाला सर्प होता है वो विलुप्त प्रजाति का है, मैंने उसका रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जंगल पे अपने। मैंने मॉनिटर लिजर्ड का रेस्क्यू करता हूँ और आपका सियार हो गया, मैं मगरमच्छ भी आपके पड़ेनिया से एक कुएं में गिर गया था मैंने उसको निकाल लिया था, और बहुत सारे हैं, कबर बिज्जू हो गया, मोर हो गया, बंदर हो गए, लंगूर हो गए, और जो अपने जंगली जानवर हैं मैं उनका आए दिन रेस्क्यू करता रहता हूँ। चलिए तो अमूमन जो ये सूची है पूछे के मकसद हमारा ये रहा कि यह में जीव जो है या सीधी के आसपास इर्द गिर्द पाए जाते, यह बताइए खतरा कौन जीवन से राहत है जैसे बिल्कुल बचे की आवश्यकता है और बिल्कुल सतर्क रहे की आवश्यकता है? जो आपने आस पड़ोस जो जीव जंतु हैं जैसे कोबरा है, कोबरा को हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक उसके पास मतलब जाना चाहिए, कोबरा से एक भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वह सबसे गुस्से वाला सर कोबरा ही है, कोबरा को हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। फिर एक करायत है फांप में, वो अपने भारत देश का सबसे जहरीला सर्प होता है और उसको रात निशाचर बोलते हैं, अक्सर रात्रि में ही अपना शिकार करता है और बिस्तर में, जैसे रात में आप बिस्तर में रहते हैं वो बिस्तर में जाके करांट देता है, इसलिए कि वह आदमी की जो स्मेल होती है वो उसको अच्छी लगती है। और तो और जैसे आपका रसल स्वाइपर है,
वाइपर को क्या करते हैं कि यहाँ पे अजगर समझ लेते हैं। वो अजगर जैसे मोटा होता है, जो उसमें पिंट होते हैं उसके, वो अजगर जैसे होते हैं, तो यहाँ के लोग बात क्या है, वो अजगर समझ लेते हैं, तो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तब वो वाइड कर लेता है। और ऐसे जो आपने सियार हो गया, ये भी हिंसक में आता है, जिसे रेबीज सबसे ज़्यादा होता है। और अपना मगरमच्छ भी हो गया, ये सब सावधानी वाले जानवर होते हैं। कुछ तो सर्प ऐसे हैं जो विषहीन हैं, जिसमें विष होता ही नहीं है। अमूमन यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको डर के वहाँ पे उसको मार देते हैं। तो जैसे धामन हो गया, धामन अपना सर्प है सबसे बड़ा प्रकृति का, और अपने आस पड़ोस का सबसे ज़्यादा स्वच्छ करने वाला वातावरण को धामन सर्प है। धामन को रेड स्नेक बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चूहे खाने वाला, जैसे चूहे की पैदाइशी बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको चूहे को खाने के लिए धामन सर्प वो आपके घर के हर एक घर के 100 मीटर की परिधि में करीबन 2-3 धामन सर्प होते ही होते हैं। ऐसे सीन आ जाए किया जाए घर के 100 मीटर में करीबन 2-3 सांप जरूर हैं। ऐसा जो कॉमन सेंडबुआ हो गया, कॉमन बुल्फ स्नेक हो गया, ये कोई जहरीले वाले नहीं है। इन हम लोग आपने से भी आजकल विज्ञापन देते हैं, आपने गूगल यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन जहरीला है, तो उससे आप लोगों को मिल जाता है कि कौन जहरीला और कौन नहीं है। ये सतबहिनी असढ़िया पानी वाला सांप एम का अंतर होता है। ये सतबहिनी जो जिसको बोलते हैं कॉमन बुल्फ स्नेक है वो, और चेक बैक क्लियर आप जो पानी वाला अपने यहाँ पे इसको बोलते हैं डेढ़ा वो है, और धामन है। इनमें धामन सर्प काफ़ी बड़ा होता है। जो पानी वाला सर्प रहता है वो मेढक खाना पसंद करता है, और जो ये सतबहिनी होती हैं जो कॉमन बुल्फ स्नेक, ये क्या होता है कि जो आपने अगल बगल जो कीड़े पतीड़े होते हैं जहरीले, वो उनको खाता है, और ये कोई जहरीले नहीं होते। चलिए, तो कुल मिला के देखिए मकसद यह है कि प्रकृति बची रहे, इंसान बचे रहें, और इंसानियत बची रहे। इंसानियत ऐसे कही थे कि इन्हों का ईश्वर जिंदगी दे के भेजत है, तो अपना के वो हमारा अधिकार नहीं है कि इनका ले। हाँ, हमारे कहे के मतलब है कि यदि कबो अपना का ऐसा कुछ दिखाते हैं तो फ़ोन नंबर कहूँ अपना वचन के सीधी मजारी की इनका है। हमारे सम्माननीय वन मंडल अधिकारी श्री श्री कुमार सर की ओर से जब से वो आए हैं तब से हमारे यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित करे। ये कंट्रोल रूम से साहब का जो हमारे डीपो साहब की जो मंशा थी हुआ है, उस मंशे में हम लोग खड़े उतरे हैं, और अधिक से अधिक इस वन्य प्राणी को बचाने में हमारा कंट्रोल रूम बहुत बड़ा सहायक हुआ है। हमारा कंट्रोल रूम नंबर है 94249-3665। इसमें आप तुरंत ऑन 24 घंटे कितनी भी समय आप फोन लगा सकते हैं, और वन विभाग की टीम आपका आपके यहाँ रेस्क्यू करने जरूर आएगी। चलिए, तो ये अच्छी पहल ही ना, ये अच्छी पहल इंसानियत की पहल है। अपना का डराए का नहीं है, घबराए का नहीं है, और का है अमूमन अपना दिखे हो पढ़े हो कि सांप के काटे में लोग नहीं मरता ही, बल्कि सांप के काटे के बाद जो डर है उसे हार्ट अटैक हो जाते, लोगों की मौत हो जाती। समझे के परी, या जो विज्ञान है विज्ञानों का महत्व दे के परी, और सांप काटे के बाद अंधविश्वास के जिस सहारा लेते हैं, झाड़ फूंक के जैसे सहारा लेते हैं, उसे हट के तत्काल रूप से यदि अस्पतालन के सहारा लिन जाए तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। पंकज भैया, ऐसा अभी तक कौनों ऐसा वाक्य भा कि जब अपना पहुँचे हुई रेस्क्यू करे केहू का सर काट चुका हो फिर लोग जो है अंधविश्वास के सहारा ले लागत थे, तो यह ऐसा कौनों वाक्य भा आज तक? जी हाँ, ऐसा क्या हुआ कि एक बार एक वाइट सर्प होने की हमको शिकायत मिली आज से 2-3 दिन पहले, तो एक जायसवाल जी द्वारा उनकी बेटी को उस स्नेक ने वाइट किया था। तो जब मैं गया तो वहाँ पे वो तांत्रिक तोंत्रिक को बुला के रखे थे, वहाँ झाड़ फूँक स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि आप इस झाड़ फूँक में कतई मत पड़िए, इसलिए कि कोई भी सर्प का एक बार जहर आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है तो आपको कोई भी झाड़ फूँक काम नहीं देगी। आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतनी समय आप जो डॉक्टर का सलाह लें, और जो उचित जो दवाइयां हैं मतलब विष को दिशा वो करने के लिए, तो उनको आप तुरंत लें जो, और डॉक्टर की सही सलाह लें, और कभी भी इसी अंधविश्वास में पड़े ही नहीं कि कोई झाड़ फूँक से कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा कतई नहीं है। अगर जो आपके शरीर में एक बार जहर इंजेक्ट हो गया
तो आप फिर कोई नहीं बचा सकता सिर्फ डॉक्टर के अलावा। तो इसीलिए मेरा पहला आप लोगों से अनुरोध है, कभी भी ऐसा हो तो आप तुरंत से तुरंत किसी भी झाड़ फूक में ना पड़ के तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचना। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह आज के रेस्क्यू कोबरा पंकज जी के साथ आज हम रहन, और पंकज जी लगातार जो है अपने अधिकारी के निर्देशन मार्गदर्शन में खड़े उतरे के प्रयास कर रहे हैं, और साल भर के आंकड़ा सुन के अपना चौंक सकी थे, कहे कि 324 वन्य जीवन का अपना सुरक्षित जंगल तक पहुँचाएंगी। और निश्चित तौर पर कहो न कहो प्रकृति है तो हम पचे हैं, और हम पचे हैं तो यह पूरा जो कहते जो रंग रगुआ है यह इनके मथरे है, प्रकृति के मथरे है, प्रकृति है तबे सब कुछ है। कहे कि कोरोना जैसा भयावह परिस्थिति हम पचे यह मनुष्य देख चुका है, जो उन्हें मात्र लाख करोड़ रुपया जेब में लेके भागर रहे हो मगर बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन खीतर लोग तड़पर रहे, लेकिन यह वन्य जीव या पर्यावरण या प्रकृति हमका अपना का मुफ्त में ऑक्सीजन मुफ्त में अपन जो है संसाधन देती, एहू के इज्जत मान मर्यादा सम्मान करी। और निश्चित तौर पर पंकज जी के सहारा यदि सीधी में हैं तो जरूर ले, और पंकज जी से अपना जो है अपना के जो सोशल मीडिया में अकाउंट हैं ओके माध्यम से अपना संवाद कर सकी थी यदि कौनों में की जरूरत पड़ा थी, तो पंकज जी अपने आईडी के बारे में बताए दी कौन कौन हूँ। हमारी फेसबुक में आईडी है पंकज मिश्रा रेस्क्यू के नाम से, और हमारी यूट्यूब में है पंकज मिश्रा वनरक्षक के नाम से, और मेरा ट्विटर में भी है, और आपके और सारे जो चैनल से हैं और जो उनमें सब में आईडी बनी हुई है, आप कभी भी 24 घंटा मेरे संवाद कर सकते हैं, और इन वन्य प्राणी को बचाने के लिए मैं तत्पर हूँ, आप कभी भी कितनी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये अपना जंगल है, इस स्नेक को लेकर साथियों चलते हैं और हम लोग इसे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी इन सड़कों को कभी भी ऐसी स्थिति में हो तो आप लोग तुरंत कंट्रोल रूम पे संपर्क करिए, और हमारे वन विभाग से हम लोग आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। साथियों चलते हैं और हम लोग इस सर्फ को सुरक्षित यहाँ पे रिलीज करते हैं। चलिए, तो अब वह पल है जब कोबरा का यह जंगल में छोड़ने के पूरी तैयारी कर ली गई ही, अब वह जंगल के राजा कोबरा क्या वह जंगल स्वच्छंद जो है तैयार है, हालांकि अभी किया है बंधे कोबरा, लेकिन अब वह स्क्यू कोबरा जो है जंगल की तैयार है, और तौर पर बड़ी सावधानी से चली हुआ कोबरा अब जंगल के ओर देखने लगे कि जा रहा है, और निश्चित तौर पर वह कोबरा के दौड़ देखे यही से कही थी जिंदगी सबका प्यारी है, चाहे वन्य जीव हुए चाहे हम अपना हुए चाहे जे हुए, लेकिन वो जीवन का सुरक्षित करे खेतर हमार अपना के सबके जवाबदारी है। जैसा इंसान से प्यार होते ना वह में ये वन्य जीवन से प्यार करी तब पर्यावरण सुरक्षित रही और पर्यावरण का एक ऊर्जा मिली। पंकज भाई जब यह में रेस्क्यू करके छोड़ी थे जब जेका मतलब बड़े अपना नाच के साथ पकड़ के रखी थे, और फिर कहो न कहो भावुकता जुड़ियात हुई कि अब छोड़ा जा रहा है। हाँ, ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा पल होते हैं जब मैं किसी सर्प को एक जीवन दान देता हूँ, और जब वो घर में रहता है तो उसको मारने के लिए सब लठ लेके चले जाते हैं, मगर कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला रहता है। बहुत खुशी होती है जब मैं इनको जंगल में ऐसे अपने जंगल में छोड़ता हूँ, उनको देखता हूँ कि जा रहे हैं ये, तो हमको हमारे दिल में बहुत प्रसन्नता होती है, और मैं भगवान से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं इनका कार्य ऐसे ही इनको छोड़ता रहूँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर आज कोबरा प्रजाति के एक सर्प के रेस्क्यू कीनगा, और वो का जंगल विचरण करे खीतिर स्वच्छंद विचरण करे खीतिर छोड़ देनगा। स्वतंत्रता के पास का होते हैं यदि अपना का एक कमरा में बंद कर दिया जाए, शायद अपना अंदर ही अंदर घुट के मरिया, वह में ये वन्य जीव है, ये जो कहो ऐसा है केहू के घरे में घुस गए और वो बिल्कुल बधे बधे उन मौत से बड़ी सजा उनका कुछ ना हो, मतलब मौत जैसे
आवश्यकता होती, लेकिन स्वतंत्रता स्वतंत्रता के एहसास की हमका बचन का जैसा वह कमरा से बाहर निकाला जाए 20 दिन बाद और फिर अपना का जैसा एहसास हुई वह में कि वन्य जीवन का जब इनके घर जंगल छोड़ा जाता है तो शायद यूँ वह स्वतंत्रता के अनुभव करत हुई। स्वतंत्रता दिवस आवे वाला है 15 के, जो है कहा जाए कि महत्व हर को जानत है, लेकिन ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जैसा देश में वीर जवान जो रहे, देश में शहीद होए वाले जो लोग रहे, वह सोच के स्वतंत्र कराए रहे या देश का कि देश में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और पूरी तरह से जो कहा जाए इंसानियत मौजूद रही। हालांकि ओके खितर पंकज भाई का हम धन्यवाद दे थे कि कम से कम अपना वन्य जीवन का आज़ाद कह के इनके घर का दे के अपना बड़ा नेक कार्य कह रहे पर जो है प्रकृति के प्रति एक नवाचार हो रहा है। यह नवाचार में वो वन्य जीव जो कहों न कहों प्रकृति का पूरी तरह से संतुलित करते हैं, वो वन्य जीवन का अब रेस्क्यू किन जात है। जो पुरान अंधविश्वास है कि सांप घरे में निकरिया आवा तो मार दे, बिस्कोपड़ा निकरिया आवा और बहुत सारे ऐसा जो प्रकृति के जीव हैं वो निकरिया में तो लोग डर के मारा उनका जो है जान से मार दे रहे। लेकिन अब कहों न कहों या सीधी के वन विभाग के एक पहल ही पवन साहब हमारे साथ सर, अब जो है एक नवाचार किया जा रहा है, घरों से लोगों के फ़ोन आना शुरू होते हैं और आप लोग जो है उनको सही गाइडेंस देके उन वन्य जीवों को रेस्क्यू कराते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या कुछ अब लोगों में जागरूकता आ रही है? हमारे वनमंडल अधिकारी महोदय क्षितिज कुमार सर की प्रेरणा से ये जो है कंट्रोल रूम में नंबर 9424793665 कंट्रोल रूम का नंबर है, ये शुरू किया गया था जब वनमंडल अधिकारी महोदय यहाँ पोस्टेड हुए। धीरे इसका प्रचार प्रसार किया गया और फिर लोगों को बताया गया कि यदि वनों से संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं या वन्य प्राणी आपके घरों में घुस जाते हैं तो आप इस नंबर पे तत्काल सहायता के लिए फ़ोन करें और आपको तत्काल सहायता दी जाएगी। प्रचार प्रसार होने के बाद इस पर कॉल आने लगे और लगातार जो भी जनमानस है उनकी तत्काल सहायता की जा रही है। वनमंडल अधिकारी महोदय के नेतृत्व में टीम गठित है और जो पंकज हैं हमारे वनरक्षक, ये लगभग सभी वन्य प्राणियों का रेस्क्यू करते हैं और इनको सुरक्षित अपने जो निवास स्थल है वहाँ छोड़ा जाता है। सर जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यदि देखा जाता है तो लोगों के अंदर एक अंधविश्वास है सर्प को लेकर और अन्य जो हैं छोटे जीव हैं, हालांकि वो रक्षात्मक सामने वाले पर हमला करते हैं, जब उन्हें डर होता है तब वो किसी पर हमला करते हैं, मगर लोगों से आपकी क्या अपील है कि क्या करें लोग यदि घर में कोई भी जीव जंतु निकलता है? लोगों से हम आपके मंच के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि यदि कोई भी वन्य प्राणी आपके आसपास या आपके घरों में दिखाई देता है आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी ना घबराएं, तुरंत जो आपके निकटतम वन अधिकारी हैं उनको सूचित करें अथवा वहां आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो जो मैंने एमपी संदेश की ओर से अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और लगातार अपना के अंदर यमे ऊर्जा के संचार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे बड़ा इन वन्य प्राणियों का बहुत बड़ा मीडिया भी था, जब मैं इन सर्पों का रेस्क्यू करता था तो मीडिया के जो हमारे बंधु भाई लोग हैं उनके द्वारा हमको बहुत सारा प्यार दिया गया और वो कहीं ना कहीं सब लोगों को जागरूकता करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी बंधुओं का दिल से आभार कर व्यक्त करता हूँ और जो आप लोग दिया बहुत धन्यवाद। चलिए तो फिर मुलाकात हुई कौनो नए वन्य जीव के रेस्क्यू में पंकज भाई के साथ, फिर कबो जब अपना की इच्छा जाहिर करब कि पंकज भाई से बातचीत होए और वन्य जीव के रेस्क्यू दिखाई तो जरूर अपना का दिखाओ। तब तक खितिर आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।